दो महीना से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मणिपुर में यह वायलेंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी तक 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से भी ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं और ना जाने कितने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। हर दिन नई केस सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह वायलेंस आखिर शुरू हुआ क्यों। अभी तक आपने शायद सुना होगा कि यहाँ पर दो कम्युनिटीज के बीच लड़ाई झगड़ा के कारण ही यह सारा हिंसा हो रही है। इसके साथ साथ ही रिजर्वेशन का एक मामला भी है, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। दरअसल मणिपुर का यह मामला आजकल का नहीं है, इसके पीछे की इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। असल में मणिपुर भारत के साथ जुड़ने के पहले एक सेपरेट किंगडम हुआ करता था, जो कि म्यांमार के साथ एक बॉर्डर शेयर करता था। उस समय म्यांमार को बर्मा नाम से जाना जाता था। मणिपुर और बर्मा के बीच उस समय बहुत लड़ाई झगड़ा होती थी, लेकिन 1820s में बर्मा ने मणिपुर के ऊपर काफी बड़ा अटैक किया, जिसके बाद 7 सालों तक इन दोनों के बीच लड़ाई हुई और इसे 7 ईयर्स ऑफ डिवास्टेशन कहा जाता है मणिपुर के लिए, क्योंकि इसकी वजह से मणिपुर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। उस समय ब्रिटिश ने मणिपुर के किंग को सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर बर्मा को हराया, लेकिन इसके बाद से ब्रिटिशर्स ने खुद ही मणिपुर के ऊपर कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मणिपुर का ज्यादातर हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। इस घटना के तौर पे मणिपुर और ब्रिटिश आर्मी के बीच एक वार हुई, जिसको एंग्लो मणिपुर वार ऑफ 1891 नाम से जाना जाता है। इस वार में एक तरफ जहां पर ब्रिटिशर्स गोला बारूद से लड़ रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ मणिपुरी आर्मी के पास सिर्फ तलवार और भाला ही थी, इसलिए उन्होंने आसानी से यह वार जीत ली और मणिपुर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब भी मणिपुर भारत का एक पार्ट नहीं बना था। इसके बाद 1949 में मणिपुर के किंग ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, जिसके बाद 1962 में एक यूनियन टेरिटरी बना और फाइनली 1972 में यह भारत का एक स्टेट बन गया। उस समय मणिपुर में दो मेन ट्राइब्स रहती थी, जो कि आज के दिन भी मणिपुर की मेजर पॉपुलेशन है, और ये दोनों है मैती और कुकी। मणिपुर के 90% इलाका जो कि पहाड़ से घिरा है, वहां पर नागा और कुकी लोग रहते हैं और ये लोग मेनली क्रिश्चियन। बाकी के जो 10% लैंड है, वहाँ पर मैती ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जो कि मेनली हिंदू है, लेकिन यहाँ पर कुछ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी है। यहाँ पर जो नागा और कुकी कम्युनिटी है, वो ट्राइबल लोग है और उनको एसटी का दर्जा मिला है, और सिर्फ ये लोग मणिपुर की 90% इलाके की जमीन खरीद और बेच सकती है, जबकि इनकी पॉपुलेशन मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 45% है। वहीं पर मैती कम्युनिटी, जो कि मणिपुर की 55% पॉपुलेशन है, उनके पास सिर्फ बचे हुए 10% ही जमीन है। मैती कम्युनिटी के पास एसटी कैटेगरी भी नहीं है, इसलिए उनको या तो एससी या फिर ओबीसी में रखा जाता है, और ये लोग अगर चाहे तो भी मणिपुर में उस 10% जमीन को छोड़ के और ज्यादा जमीन खरीद नहीं सकते। लेकिन एक पावर जो मैथी कम्युनिटी के पास है, वो है पॉलिटिकल पावर। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए मणिपुर की जो स्टेट असेंबली है, उसमें जो 60 सीटें है, उसमें से 40 सीटें सिर्फ मैथी कम्युनिटी के पास है और बाकी बचे 20 सीटें है कुकी और नागा कम्युनिटी के पास। अब सारा झमेला इस बात पे है, जब मैथी कम्युनिटी यह बोलती है कि हम तो मणिपुर की मेन ट्राइब है, हमारे पास मणिपुर की ज्यादा सीटें भी है, तो हम क्यों मणिपुर की सिर्फ 10% लैंड यूज करें, हमें भी बाकी का लैंड मिलना चाहिए, हमें भी एसटी कैटेगरी मिलना चाहिए। वहीं पर कुकी और नागा कम्युनिटी ये बोलती है कि मैती तो ऑलरेडी एडुकेटेड है, वो पावर में भी है, पॉलिटिक्स में भी उनका कंट्रोल है, तो जब उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा, तब ये लोग और भी पावरफुल बन जाएंगे और उनके हिली एरियाज को ये लोग खा जाएंगे। इसलिए उन लोगों का कहना है कि ये लैंड सिर्फ कुकी का है और उनका ही रहना चाहिए। अब इस पूरे इंसिडेंट में एक और फैक्टर है, जो कि मणिपुर के साथ म्यांमार का बॉर्डर। मणिपुर इस देश के साथ करीब 400 किलोमीटर के एक लंबी बॉर्डर शेयर करता है, और क्योंकि म्यांमार की पॉलिटिकल हालत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए आए दिन कई लोग इस बॉर्डर को पार करके इलीगली मणिपुर में एंट्री मारती है, और यह सिलसिला 1970 से चली आ रही है, जो कि आज के दिन तक कंटिन्यू। जो लोग यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इन हिली एरियाज में रहते हैं। अब कभी कभार कुकी लोग, जो कि मणिपुर के नेटिव लोग हैं, उनको या तो म्यांमार या फिर फॉरेनर समझ के मारा पीटा जाता है, और ये लोग मानते हैं कि सरकार शायद जानबूझ के ऐसा कर रही है। इसके अलावा ड्रग्स का भी एक रोल है यहाँ पे, क्योंकि मणिपुर में चोरी छुपे अफीम की खेती है, जो कि स्टेट में बैन है। पिछले 5 सालों में सरकार ने 15,000 एकड़ में अफीम की खेती डिस्कवर करी है, जिसमें से 13,000 एकड़ कुकी डोमिनेटेड हिली एरियाज में होते हैं। अब इस चीज को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक मैसिव ऑपरेशन चला कर रखी है। सरकार ऐसी सारी जमीन जहां पर अफीम की खेती है, उनको जबरदस्ती जब्त कर रही है, जिससे वहां के ट्राइब लोग बिल्कुल खुश नहीं है। अब यहां पर कुकी लोगों का मानना है कि सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर पाए। ये चीज और भी सीरियस हो गया जब सरकार ने कई कुकी लोगों के लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट बता के उनको जब्त करना शुरू कर दिया। लोकल ट्राइब ने गवर्नमेंट की इस स्टेप को एंटी ट्राइबल एक्टिविटी के तौर पर देखा और इस पर कई प्रोटेस्ट हुए। ये चीज और भी बिगड़ने लगी जब इसके कुछ दिनों बाद, यानी
मार्च के महीने में थॉमस ग्राउंड नाम की एक जगह पे प्रोटेस्टर्स ने एक रैली निकाली और देखते ही देखते एक वायलेंट क्लैशेस में बदल गया जिसमें 5 लोग घायल हुए। मणिपुर में सब कुछ हो ही रहा था तब 11 अप्रैल को कैपिटल इम्फाल में 3 चर्चेस को इलीगल कंस्ट्रक्शन बता के उनको तोड़ दिया गया। और क्योंकि यहाँ पर कुकी और नागा लोग ज्यादातर क्रिश्चियंस है और सरकार चला रही है मैथी लोग, इसलिए इस घटना ने मैथी वर्सेस कुकी की आग में घी ढालने की काम किया। इस घटना के सिर्फ 9 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जहाँ पर मैथी लोग जो कि 2013 से एसटी कैटेगरी की मांग कर रहे हैं उनकी सपोर्ट में कोर्ट ने फैसला लिया और गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया कि इन लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर किया जाए और 4 हफ्तों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट भेजी जाए। इस घटना ने कुकी और नागा लोगों को भयानक तरीके से भड़का दिया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मैथी लोग जो कि ऑलरेडी एडुकेटेड और पावरफुल है उनको एसटी का दर्जा मिले। और इसके सिर्फ 8 दिन बाद यानी 28 अप्रैल 2023 को जब मणिपुर के सीएम को चूड़ा चंदपुर जाना था जिम इनॉग्रेट करने के लिए तब उसके एक दिन पहले यानी 27 अप्रैल को प्रोटेस्टर ने वहां पर आग लगा दिया जिसके रेस्पॉन्स में उस इलाके में सेक्शन 144 की इम्पोज किया गया और इसके साथ कई और जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद 3 मई को जब मणिपुर के एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइब स्टूडेंट मणिपुर ने एक ट्राइबल मार्च की आयोजन किया जिसमें 60,000 से भी ज्यादा लोग थे और ये रैली जब चूड़ा चंदपुर जिले की तौरबांग एरिया से गुजर रही थी तब इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान अलग अलग जगहों पे मैथ्यू और कुकी दोनों कम्युनिटी के घरों पे पब्लिक प्रॉपर्टी पे आग लगा दिया गया और क्लैशेस काफी बड़े लेवल पे हुई। इस 3 मई के दिन को ही 60 लोगों की डेथ हुई और 1700 घरों को जला दिया गया। और इसके बाद आज 2 महीने से भी ज्यादा समय से अलग अलग जगहों पे क्लैशेस हो रही है जिसमें ना जाने कितने बेजुबान लोगों की जान जा रही है। तो दोस्तों ये थी मणिपुर केस की एक ब्रीफ वीडियो। आप में से कौन कौन लोग मणिपुर से बिलोंग करते हैं और आपकी सिचुएशन कैसी है प्लीज हमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।